वेलकम टू ऑल माय वंडरफुल व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चीज़ एंड कॉर्न नगेट्स की रेसिपी। हम अक्सर ये सोचते हैं कि काश हमारे पास ऐसा कोई इजी रेसिपी हो जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने, बहुत कम टाइम में बन जाए, कोई ऐसी ट्रिक हो। तो आज मैं आपको वही चीज़ एंड कॉर्न नगेट्स सिखाने वाली हूँ जो कि सिर्फ 5 से 7 मिनट में बन जाएंगे, गारंटी बनेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा ईजी हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज आपको लगता है कि आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें प्लीज़। वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना नहीं भूलें। तो सबसे पहले मैंने लिया है पोहे। आज मैं जो नगेट्स बनाने वाली हूँ वो मैं बनाने वाली हूँ पोहे के साथ। ये है तकरीबन आधा कप पोहे यानी कि 125 ग्राम। तो मैं पोहे और थोड़े ज़्यादा डाल दूँगी। ये रेगुलर पोहे हैं जो हम पोहा मॉर्निंग में बनाते हैं, उस वही पोहे हैं। तो ये पोहे मैं ज़्यादा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे पोहे बाद में लगने वाले हैं थोड़े से डेकोरेशन के लिए, नगेट्स को सजाने के लिए। इनका मैंने एक अच्छा सा पाउडर बना दिया है मिक्सी में पीस के। पाउडर जितना फ़ाइन होता है उतना फ़ाइन कर लें, गड़बड़ नहीं करें, इसे बहुत ही प्रॉपरली अच्छे से पीसें। तो जो मैंने एक्स्ट्रा पोहे डाले थे वो उसका पाउडर मैंने निकाल लिया है, और ये जो बाकी का पाउडर है पोहे का ये मैंने एक मिक्सिंग बाउल में डाल दिया है। अब देखिए ये पोहे कितने अच्छे से पाउडर में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इन पोहों को मैं साइड में रख देती हूँ और अब मैं तैयारी करती हूँ, कॉर्न के नगेट्स हैं तो मैं कॉर्न इसमें डालने की तैयारी करती हूँ। तो इसके लिए मैंने लिए हुए हैं 1 कप कॉर्न के। ये तकरीबन एक छोटा वाला कप है यानी कि 125 ग्राम वाला। तो 125 ग्राम कॉर्न लिया है मैंने, ये बाज़ार में इजीली मिल जाता है, स्वीट कॉर्न है। अगर आप चाहें तो कैंड कॉर्न भी ले सकते हैं, लेकिन ये पूरे इंडिया भर में बहुत ही इजीली आजकल मिल जाता है। इसके बाद मैंने इसमें डाला 1 हरी मिर्च, क्योंकि इसे स्पाइसी बनाने के लिए। ये हरी मिर्च जो मैंने यूज़ करी है बहुत तीखी है, अगर आप चाहें तो 2 या 3 भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी मध्यम तीखी हो। तो इसके बाद मैंने इसमें डाले गार्लिक के 2-3 पॉड्स और इसे एक अच्छे से पेस्ट में, इसे बहुत ज़्यादा फाइनली ये नहीं करना है, पीसना है, एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। और फिर इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपके जो ये कॉर्न है इसमें कोई भी खड़ा दाना यानी कि पूरा का दाना, पूरा का पूरा जो दाना होता है ना वो नहीं रहे। अगर आपके कॉर्न में एक खड़ा दाना रह जाएगा तो प्रॉब्लम ये आएगी कि हो सकता है कि फ्राई करते वक्त वो दाना फट जाए यानी कि ब्लास्ट हो जाए। इसलिए इस बात का पक्का ध्यान रखें कि आप ये जो दाना है इसे अच्छे से मसल रहे हैं। अब ये जो कॉर्न था मैंने इसमें डाल दिया, जो पाउडर मैंने पीस के रखा था, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चीज़ क्यूब्स। चीज़ क्यूब्स आप कोई भी ले सकते हैं, जो बाज़ार में रेगुलर प्रोसेस चीज़ मिलती है ना वो ही लेनी है। और उसे मैंने अच्छे से मसल दिया है ताकि मुझे लास्ट में इसे मिक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप चाहें तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं या फिर हाथ से मसल के डाल सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ओरिगैनो। अब जो सबसे बेस्ट टेस्ट आता है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1/4 चम्मच चाट मसाले का। चाट मसाला मैं इसमें इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि चाट मसाले से ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ना ये काफ़ी मीठे हैं, तो चाट मसाले से इनकी मीठापन ना बैलेंस हो जाएगा। अब मैं इसे गूंद रही हूँ दूध के साथ। दूध के साथ गूंदने की वजह से ये जो मिक्सचर है इसका जो टेक्स्चर है और टेस्ट है बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है। और मैं आपको बताती हूँ कि चीज़ और कॉर्न के नगेट्स की जो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आती है जो हम मकेन के लेके आते हैं वो होती है कॉम्बिनेशन कॉर्न, ओरिगैनो और चीज़ की। ये तीनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो टेस्ट को ऐसी टैंगी फ्लेवर देती हैं कि आपको बार बार खाने का मन करता है। तो इसे बहुत ही अच्छे से गूंद लेना है। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप देना चाहूँगी, ये जो पोहे होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा एक्सपांड होते जाते हैं, तो इन्हें ये जब हम बनाते हैं तो इसे अच्छे से गूंदें और 2 से 3 मिनट के बाद तेल गरम करने के लिए रख दें, फिर से इन्हें देखें तो आप देखेंगे ये थोड़े सूख गए हैं। तो इनमें फिर से पानी डालना है और फिर अच्छे से गूंदना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक और फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कॉर्न स्टार्च का, ताकि ये आपस में ये जो नगेट्स हैं ये जुड़े रहें। कॉर्न स्टार्च इन्हें जोड़ने का बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। तो मैं वापस आती हूँ उस बात पे कि जो पोहे होते हैं बहुत जल्दी पानी एब्जॉर्ब करते हैं, जल्दी जल्दी सूखते रहते हैं। तो आप इस बात का पक्का ध्यान रखें कि जो आपका आटा है
वो 2 से 3 मिनट तक रख दें साइड में ताकि पोहे बहुत ही अच्छे से दूध को एब्जॉर्ब कर लें। उसके बाद उसे फिर से गूंदें और जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, जो आटा चपाती का, वैसा इसका स्मूथ आटा बन जाना चाहिए। ये देखिए ऐसा आटा बन जाना चाहिए। अगर आपका जो डो होगा वो सूखा होगा ना, तो नगेट्स गैस में फटेंगे, यानी कि बहुत प्रॉपरली नहीं बनेंगे। तो अब मैं इसे अच्छे से गून लिया है, तो मैं इसे बहुत ही अच्छे से एक शेप देती हूँ नगेट का। और इसे सजाना कैसे है इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ऐसी ही एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी मैंने बनाई थी, हरा भरा चीज़ बॉल्स, सिर्फ 5 मिनट में, कोई तैयारी का टाइम नहीं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में दे रही हूँ मैं, ज़रूर चेक करें। तो ये बन गया बहुत ही बेहतरीन नगेट। इसी तरह से मैं मेरे सारे के सारे नगेट्स बना लूँगी। और इन्हें कैसे डेकोरेट करना है, यानी कि इन्हें सर्व करते वक्त और ये कैसे सुंदर दिखने चाहिए, वो कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो नगेट्स बना लेने के बाद आप एक काम करें कि कॉर्नस्टार्च ले लें, 1 चम्मच कॉर्नस्टार्च, और उसमें डालें पानी और फिर उसे बहुत ही प्रॉपरली डिप कर लें। ये देखिए मैंने ये एक गोल बना लिया है, और फिर उसे अच्छे से घुमा लें ताकि जो कॉर्नस्टार्च है ना, ये नीचे बैठ जाता है, ये नीचे नहीं बैठ जाए। ये मैंने बना के रखा था तो नीचे बैठ गया, तो मैं इसे बहुत प्रॉपरली घुमा लेती हूँ और फिर ये जो नगेट है इसमें डिप कर लेती हूँ। इसे होगा ये कि बाहर से तो ये फटेगा नहीं, और ऊपर से इसके ऊपर अगर हमें ऐसे जो मैंने पोहे का पाउडर पहले रखा था उसे डेकोरेट करना हो ना, तो ये चीज़ इसके साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी, इसके ऊपर बहुत ही प्रॉपरली कोट हो जाएगी। तो ऐसे मैं सारे के सारे नगेट्स मेरे जो हैं वो कोट कर लेती हूँ और उन्हें बहुत ही प्रॉपरली फ्राई कर लेती हूँ। तो गैस जो मैंने रखा था तेल गरम होने के लिए, उसमें मैं नगेट्स डाल रही हूँ। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप नगेट्स सिम गैस पर नहीं फ्राई करेंगे, क्योंकि पोहे ऑलरेडी एक कुक्ड आइटम होते हैं और कॉर्न को बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं फ्राई करने के लिए। तो मध्यम से तेज़ आंच पर इन्हें फ्राई करें, सिम गैस पर बहुत देर तक नहीं रखें, ये छूट जाएंगे, प्रॉपरली नहीं बनेंगे। तो इन्हें बीच बीच में ऐसे जो मैं हिला रही हूँ ऐसे हिलाएं ताकि जो एक्स्ट्रा वाला जो पोहे का जो कोटिंग है वो लगा हुआ हो, तो वो नीचे गिर जाएगा। इसी तरह से 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे तो ये रेडी हो जाएंगे सर्व करने के लिए। इन्हें सर्व करें मेयोनीज के साथ या टोमेटो सॉस के साथ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। मेरे फ़ोटो को क्लिक करना नहीं भूलें लास्ट में सब्सक्रिप्शन के लिए। बाय।